अगर आपने बहुत सी मेडिसिन इस्तेमाल किए इस मेडिसिन से आपको जरूर फर्क पड़ेगा हंड्रेड परसेंट फर्क पड़ेगा ठीक है यह है जिंकट ओ डी सीप य आप लोग छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं न्यू बॉन बेबी को भी दे सकते हैं और बड़े बच्चों को भी दे सकते हैं असम रोमा आसा मम्मी और फॉर आप सबका बहुत सारा वेलकम उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे आज मैं लेकर आई हूँ डायरी के लिए जो कि बहुत ज्यादा बच्चों लूज मोशन करद उनके लिए सीरप लेकर कर आए जिसको ये फौरन कंट्रोल करेगा इसका नाम है जिंकट ओ डी सीरप प्राइस बहुत है ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और यह मेडिसिन मुझे मेरे डॉक्टर जो बच्चों के देखने वाले उन्होंने दी थी क्योंकि बच्चे हो गए थे बीमार लूज़ मोशन इनको लग गए थे डायरिया हो गया था जिसकी वजह से मैं भी काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि बच्चे आपको पता है घर में अगर ज़्यादा बच्चे, ने एक बच्चे ना एक बच्चा बीमार होना फिर ऐसे आसे सारे बच्चे बीमार होते मेरे साथ भी ये हो पहले एक बच्चा बीमार हुआ फिर उसके साथ साथ सारे बच्चे बीमार हो गए जिस वजह से मैं बहुत हो गई बी ठीक है उनको हो गया था डायरिया लूज़ मोशन मोमेंट बहुत कुछ यानी बुखार भी सब कुछ एक साथ ही हो गया था तो गर्मी में सबसे पहले तो बच्चों को बीमारी क्या लगती है उनको लगता है लूज़ मोशन या डायरिया उल्टी का आ जाना या लूज़ मोशन का लग जाना तो आज मैं आप सब के लिए लूज मोशन के लिए एक सिरप लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से अगर आपके बच्चों को लूज़ मोशन लगे हुए हैं तो बिल्कुल कंट्रोल आ जाएंगे गर्मियों में लूज मोशन के बहुत ज़्यादा आई मीनस रीज़न होते हैं जैसे कि बच्चों को गर्मी लग जाए गर्म पानी से नहा लिया जाए या टैंकी वाला पानी बहुत गर्म हो तो उससे नहा नहा लिया जाए उससे बच्चों को लूज़ मोशन लग जाते हैं या बच्चा अक्सर नीचे रहता है जिस वजह से बच्चा हर चीज़ मुँह में डालता है हाथ गंदे होते हैं जो कभी क्रॉलिंग कर रहा है तो उस वजह से बच्चा क्या कहते हैं उसको लूज़ मोशन लग जाती है गंदी चीज़ मुंह में चली जाती है उसके साथ जिनके टीथिंग होते हैं उनको भी लूज मोशन लगते हैं क्यों लगते हैं टीथिंग की, की वजह से नहीं लगते उनको ये होता है कि वो हर चीज़ मुंह में डालते हैं उनके दाँत में ईचिंग होते हैं वो अपने ट्रॉए होगा टिश्यू होगा कुछ भी होगा उसको आप नीचे रख देंगे तो वो हर चीज़ मुंह में डालेगा जिस वजह से बच्चे के मुंह में जंप से चले जाते हैं और लूज़ मोशन लग जाते हैं क्योंकि मुझे इस मेडिसिन से बहुत ज़्यादा फर्क फील है अपने बच्चों में और कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों ने इसको अच्छे से पहले हिलाना है उसके बाद जब आपने इसको अच्छे से बंद करना है कैप इसका कैप अच्छे से बंद होना चाहिए ये ना हो कि खुला हो ठीक है उसके बाद जब भी आप लोगों ने देना है बच्चों को उसको अच्छे से इस तरह बोतल को कर फिर आप लोग उसको ड्रॉपर है ड्रॉपर इस्तेमाल कर लें ठीक है नहीं तो आप लोग अगर स्पून है या वो एक चम्मच भी मिलता है जो इसके साथ भी मिलेगा आपको चम्मच ठीक है तो वो तकरीबन पाँच एम एल का होता है तो उसमें आप लोग ढाई एम एल का भी मैंशन होता है तो आप लोग उस तरह भी देख सकते हैं ठीक है इसकी जो एम एल है ये बोतल जिंक कैट ओडी सिरप है साठ एम एल है ठीक है तो ये आप लोग लें अपने बेबीज को दें अगर लूज मोशन बहुत ज़्यादा कर रहे दस्त वाले कर रहे हैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं आ रहे पानी वाले कर रहे हैं तो आप लोग फ़ौरन दें और अपने बच्चों को बिल्कुल परफेक्ट ठीक कर लें ठीक है और हाँ आपको पता है जैसे कि लूज मोशन हो तो बच्चों को रैश बहुत ज़्यादा हो जाते हैं डायपर रैश तो उस तरह आप लोग खत्म कर सकते हैं डायपर रैश उसकी मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है वो मैं साथ अटैच कर दूँगी तो प्राइस ये मैंशन है वन की बोतल आती है ठीक है और ये बनी होती है इसको आपने अच्छे से पिलाने से पहले हिला लेनी है ठीक है और ये देखिए मैंने हाफ पिला दी चुकी है बच्चों को दे चुकी हूँ ठीक है और ये दूसरी बोतल एक बोतल खत्म कर चुकी हूँ क्योंकि चारों को ही मसला हो गया था लूज मोशन का ठीक है सबसे पहले तो हम लोग मैंशन करते हैं ये देखिए ये है आ गया ये जो बोतल है आपने अगर इसको ये जो बोतल है आपने दिल में एक मरतबा जो छोटे बच्चे हैं ना जैसे कि न्यू बॉर्न से सिक्स मंथ बेबीज को आप लोगों ने इसको हाफ टी स्पून देनी है हाफ टी स्पून लाइक टू पॉइंट फाइव एम एल देनी है ठीक है उसके अलावा इसको आप लोगों ने दस से सोलह या चौदह दिन तक इस्तेमाल करना है ठीक है इंग्लिश में मेंशन है में ठीक है जो न्यू बॉर्न से सिक्स मंथ बेबी है उसको आप लोगों ने इस्तेमाल करना है हाफ स्पून इस्तेमाल करना है कितना टू पॉइंट फाइव एम एल बनता है एक टाइम देना है दिन में और 10 से 14 दिन तक इस्तेमाल करें इंशाल्लाह आपके बच्चों को लूज़ मोशन खत्म हो जाएंगे जो सिक्स मंथ से अबव बेबी है बड़े बच्चे हैं उनके लिए पाँच एम एल आप लोगों ने सिरप देना है दिन में सिर्फ एक टाइम ठीक है किसी भी टाइम दे सकते हैं और उसको भी दस से चौदह दिन तक देते रहें इससे आपके बच्चे के लूज मोशन खत्म हो जाएंगे ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ ठीक है जिंकैट और डी सीरप बहुत ज़्यादा बेहतरीन सिरप है मैंने भी काफ़ी सीरप इस्तेमाल की थी बच्चों को लेकिन उनको सही नहीं हो रहा था यानी मोशन नहीं ठीक हो रहे थे इसके इस्तेमाल से मुझे तीन से चार दिनों में फर्क फील हुआ यानी आपको दूसरे दिन तीसरे दिन ही फ़र्क फील होना शुरू हो जाएगा यानी जो आप पाँच छः घटा हुआ ऐसे ऐसे दो तीन पर आ जाएगा या चार पर आ जाएगा तो ऐसा आहिस्ता देखिए जो बच्चा बीमार होता है वो रातों रात ठीक नहीं होता उसको थोड़ा सा टाइम लगता है तो प्लीज़ आप लोगों को परेशान ना हो लूज मोशन लगे गया फॉरन मेडिसिन दे या डॉक्टर को आप लोग चेक करवा सकते हैं उस मोशन बेबीज को बहुत ज़्यादा जल्दी कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि उससे बच्चे का पानी की कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है बच्चा बहुत निढ़ाल हो जाता है और पतला हो जाता है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लास्ट में लाइक करें शेयर करें अगर जो न्यू देख रहे हैं वॉच करें वो सब्सक्राइब करें तो इन फिर हमारी मुलाकात होगी बहुत ही जल्दी किसी अच्छे टॉपिक के साथ बल्कि मैं लेकर आ रही हूँ बच्चों के लिए कि बच्चों को भूख नहीं लगती बहुत मसले हैं कि हमारे बच्चों को भूख नहीं लगती तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सिर्फ लेकर आ रही हूँ भूख वाला जिससे आपके बच्चों को भूख लगेगी और बच्चा ईजिली खाएगा खाएगा तो उनका वेट गेन होगा और मदर बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हो जाएंगे ठीक है